स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल मीट के अंदर एक नए फीचर को इनेबल करने के बारे में बताऊंगा, जो कि गूगल मीट का फीचर नहीं है। इस फीचर को मैंने 2-3 प्लगइन का यूज करके डेवलप करा है। ये फीचर आपको मदद कर सकता है आपके ऑनलाइन क्लासेस में या ऑनलाइन मीटिंग्स में। आप जब गूगल मीट पे मीटिंग लेते हैं या क्लास लेते हैं, तो आप जब अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपका जो पिक्चर है या आपका जो पिक्चर विंडो है, वो पार्टिसिपेंट्स को नहीं दिखाई देता है। जब आप स्क्रीन प्रेजेंट करके किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर स्विच करते हैं, तो पार्टिसिपेंट्स को उस सॉफ्टवेयर की या उस एप्लीकेशन की विंडो दिखाई देती है, बट आपका जो पिक्चर है वो नहीं दिखाई देता है। मतलब उनको सिर्फ एक ऐसी विंडो दिखाई देती है जिसपे आप जो वर्क करते हैं वो उन्हें दिखाई देता है, बट साथ में आपका फेस कैम जैसा छोटा सा जो पिक्चर है, जो कि हमें रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है, वो दिखाई नहीं देता है, जिससे हमारी जो टीचिंग है या जो हमारा कनेक्टिविटी है पार्टिसिपेंट्स के साथ में, वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम उस फेस कैम को कैसे ऑन कर सकेंगे। जब हम अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहे होंगे, तब वो फेस कैम कैसे यूज होगा, कैसे दिखाई देगा, और ये जो फीचर है हम इसे कैसे इनेबल कर सकते हैं हमारी गूगल मीट के लिए। इसके लिए आपको कुछ प्लगइन्स लगेंगे जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे मीटिंग के पहले। एक बार इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसको हैंडल करना सीख जाएंगे, तो आप अपनी हर मीटिंग के अंदर, हर क्लास के अंदर इस तरह की जो फंक्शनैलिटी है उसे इजिली कर सकते हैं, जिससे आपका जो कनेक्शन है आपके पार्टिसिपेंट्स के साथ में वो बढ़ जाएगा और आपकी जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो आप इस फीचर को इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस फीचर का एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे इसका आप यूज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एकदम रियल है। ठीक है, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर काउंट मेरे लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको मदद करूंगा, या आप अगर उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो मैं आपको मदद करूंगा। बट प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, जितने लोगों को शेयर करते हैं उन्हें बोलिए कि सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो चैनल के जो अपडेट्स हैं सब्सक्राइब करने के बाद, वो भी सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आपको जो भी नया वीडियो मैं बनाता हूँ वो सबसे पहले मिलेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रखते हैं। लोग मोबाइल से यूज कर रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और इन प्लगइन्स की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को देख के अपने फेस कैम को ऑन कर सकते हैं अपनी गूगल मीट में। ठीक है, सिंपल सा वीडियो है, ध्यान से देखिए। ट्यूटोरियल को मैं शुरू करने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो HD कैमरा है, ठीक है, ये प्लगइन की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इस लिंक को जब आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो यहाँ पे दो बटन आपको दिखाई देंगे। एक बटन होगा इंस्टॉल टू क्रोम, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके क्रोम के ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको ये चीज नहीं मिलती है, तो आप यहाँ पे एप्स के ऊपर क्लिक करके भी आ सकते हैं, तो ये कैमरा आपको यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस कैमरे के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी वेबसाइट लोड हो जाएगी और यहाँ पे आपको इमेज दिखाई देने लग जाएगी, आपकी खुद की इमेज जो है वो आपको दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, ये आपकी जो इमेज है ये स्टार्ट हो गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फुल स्क्रीन कर देना है। आपने इसे फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक है, ये फुल स्क्रीन हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, एक दूसरे प्लगइन को इंस्टॉल करना है, उसकी लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, ये जो लिंक है यहाँ पे दी हुई है, इसको भी आपको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है एक नए टैब में और उसे भी इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है आपके क्रोम के ऊपर इंस्टॉल होके दिखने लगेगा। ठीक है, ये देखिए पिक्चर इन पिक्चर एक्सटेंशन बाय गूगल। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन भी आपके जो क्रोम ब्राउजर है उसमें दिखने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आप वापस इस टैब पे आ गए हैं जहाँ पे आपका ये जो कैमरा है ये ऑन है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर इन पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा पॉपअप जो है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक था अपने कैमरे से अपनी ही इमेज को एक पॉपअप बॉक्स में लाने के लिए। ठीक है, अब ये जब कैमरा यहाँ पे आ गया है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अब अपनी जो गूगल मीट है वो स्टार्ट करनी है। मतलब गूगल मीट को या मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको ये प्रोसेस कर लेनी है, तो आपका जो पिक्चर है वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट मीटिंग करेंगे। मैंने यहाँ से एक स्टार्ट मीटिंग कर दी है। मैं आपको मोबाइल डिवाइस से भी बता दूंगा कि आपका जो इंटरफेस है वो कैसा दिखाई देगा जब आप इस पिक्चर इन पिक्चर को यूज करेंगे अपने सिस्टम में। तो मैं आपको मोबाइल से भी दिखाऊंगा कि जब आप पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने मीटिंग में होते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपने मोबाइल डिवाइस से भी इस मीटिंग में मैं ज्वाइन हो जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मीटिंग को स्टार्ट करा, तो मुझे यहाँ पे कोड मिल गया है। ठीक है,
यहाँ पे मेरे दो कैमरास वर्क कर रहे हैं, एक जो गूगल मीट का कैमरा होता है वो, और एक जो ये पिक्चर इन पिक्चर का कैमरा होता है वो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं मेरे मोबाइल डिवाइस से इस कोड को एंटर करके इस मीटिंग में ज्वाइन होता हूँ, ठीक है। तो मैं इस कोड को एंटर कर रहा हूँ अब, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं मैं मीटिंग में ज्वाइन हो गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा पिक्चर है, क्योंकि मैंने जो मीटिंग होस्ट करी थी तो यहाँ पे जो मेरा पिक्चर है वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये पिक्चर इन पिक्चर में भी जो मेरा वीडियो है वो इजिली दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। मैं दोनों ही डिवाइस से सेम अकाउंट से लॉगिन हुआ हूँ, इसलिए वो सेम नाम आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने कैप्शंस को जो है वो ऑफ कर दिया है, जो मेरे कैप्शंस बाय डिफॉल्ट ऑन थे मैंने उसे ऑफ कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे जो सिस्टम का जो कैमरा है वो ऑन करके रखा हुआ है, इसलिए मोबाइल डिवाइस पे अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली मैं अभी जो है गूगल मीट के थ्रू दिखाई दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ से प्रेजेंट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एंटायर स्क्रीन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। ये मैंने शेयर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब ये जो मेरी स्क्रीन है ये प्रेजेंट होने लग जाएगी। आप देखेंगे तो ये जो है प्रेजेंट होने लग जाएगी। अब आप देखिए जब ये स्क्रीन प्रेजेंट होने लग गई है, ठीक है, तो क्योंकि जब ये पिक्चर इन पिक्चर नहीं था, जब आप प्रेजेंट स्क्रीन स्टार्ट करते थे तो आपका जो पिक्चर है वो गायब हो जाता था, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पिक्चर है वो दिखाई दे रहा है, और आप इसे इस तरह से लार्ज भी कर सकते हैं, ठीक है। जब आप स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो भी अब आपका जो एक पिक्चर है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पार्टिसिपेंट्स को। आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पिक्चर है वो दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ इस विंडो से स्विच होता हूँ, एक दूसरी विंडो पे जाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पे आ गया, क्योंकि मैंने गूगल मीट पे प्रेजेंट स्क्रीन का ऑप्शन करके रखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आ गया हूँ। अब मैं इस विंडो को छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे छोटा कर दिया है साइज में, और यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वो भी साइमल्टेनियसली यहाँ पे दिखाई देगा मेरे मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इस चीज को आप छोटी सी प्रोसेस बोल लीजिए या ट्रिक बोल लीजिए कि मैंने दो प्लगइन का यूज करके आपके लिए ये चीज आसान कर दी है कि अब आप अपने पार्टिसिपेंट्स को जब ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट शेयरिंग के साथ में अपने पिक्चर को भी शेयर कर पाएंगे, ताकि वो आपसे कनेक्टिविटी बना पाए कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपको देख के समझ पाए कि आप उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी भी विंडो पर स्विच करेंगे तो आप इजिली अपने पिक्चर को वहां पर पाएंगे। तो मैं यहाँ से कोई दूसरी फाइल ओपन कर ले रहा हूँ, प्रेजेंटेशन फाइल, उसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर हम प्रेजेंटेशन फाइल भी ओपन करते हैं तो भी जो ये पिक्चर वाला जो मॉड्यूल है ये आपकी प्रेजेंटेशन फाइल में भी इजीली रहेगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा प्रेजेंटेशन दिखने लग गया मोबाइल पे, और यहाँ पे मैंने पिक्चर इन पिक्चर को मूव करके साइड में कर दिया है, तो मेरा पिक्चर जो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है और प्रेजेंटेशन स्लाइड भी शो हो रही है, ठीक है। तो इस छोटी सी प्रोसेस को मैंने फाइंड आउट करा है कुछ प्लगइन्स का यूज करके आप लोगों के लिए। आप इसका यूज करिए और अपनी मीटिंग्स को और ज्यादा इफेक्टिव बनाइए इस प्लगइन को यूज करके, इस प्रोसेस को यूज करके। और अगर आपको ये प्रोसेस पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में आके जरूर कमेंट करिए कि ये प्रोसेस आपको कैसी लगी, और आपकी जो गूगल मीट को यूज करने की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं कि नहीं होती जा रही हैं। अगर सॉल्व होती जा रही हैं तो मैं ऐसे और भी प्लगइन्स का डेमोंस्ट्रेशन और ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए जरूर लेके आऊंगा, जिससे आप लोगों की जो गूगल मीट पे जो क्लासेस हैं या जो मीटिंग्स हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव हो पाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बेसिकली ये छोटा सा ही ट्यूटोरियल था, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि इससे आप लोगों का जो क्लासरूम का जो एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और इस चीज को आप खुद फील करेंगे जब आप इसको यूज करेंगे, तो आपके पार्टिसिपेंट्स जब आपको देख पाएंगे, आप जब उन्हें पढ़ा रहे होंगे तब अगर वो आपको देख पाएंगे तो आपकी जो कनेक्टिविटी और जो अंडरस्टैंडिंग वो बेटर हो पाएगी पार्टिसिपेंट्स के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि वीडियो और कहीं आपको नहीं मिलेगा। और आपके जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं या जितने भी जान पहचान वाले हैं उनसे ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और अगर आपके ग्रुप में कुछ टीचर्स हैं तो आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, उनकी टीचिंग के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों से फिर एक बार मुलाकात होगी ऐसे ही एक अच्छे और बढ़िया वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए, आप लोगों से जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।